एयरटेल ने अपने प्रीपेड प्लान पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव किया है। एयरटेल ने अपने पोर्टफोलियो में 9 रुपए वाला प्लान शामिल किया है। इस प्लान में अनलिमिटेड इंटरकनेक्टिविटी दिया जाएगा। इसके अलावा इस प्लान से यूजर्स को न वॉइस की सुविधा मिलेगी और न ही मैसेज की, यानी कि इस प्लान के जरिए यूजर्स सिर्फ इंटरनेट ही चला सकते हैं। बता दें कि यह प्लान एयरटेल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आइए हम आपको इस प्लान के बारे में जानकारी देते हैं। बता दें कि इस एयरटेल के प्रीपेड प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, लेकिन वैलिडिटी की बात करें तो इस प्लान की वैधता सिर्फ 1 घंटे है, यानी 60 मिनट में यह प्लान अनलिमिटेड इंटरनेट ऑफर करता है। मिली जानकारी के अनुसार यूजर्स एयरटेल की फेयर यूजर्स पॉलिसी के तहत 10 GB डेटा एक्सचेंज कर पाएंगे। इसके बाद स्पीड घटकर 64 KBPS हो जाएगी। यूजर्स इस पैक का इस्तेमाल सिर्फ 1 घंटे ही कर सकते हैं, जिसमें 10 GB डाटा से ज्यादा नहीं मिल सकता, यानी आप 1 घंटे तक 10 GB डेटा की पूरी स्पीड का लाभ उठा सकते हैं और डेटा खत्म होने के बाद भी इंटरनेट कनेक्टिविटी जारी रहेगी। एयरटेल के इस प्लान का इस्तेमाल वे यूजर्स कर सकते हैं जिन्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम करना हो, या उनका डेली डाटा खत्म हो गया हो, या उन्हें कुछ डाउनलोड करना हो। हालांकि यह प्लान इतना बुरा भी नहीं है, 1 घंटे में 10 GB यूजर्स के लिए फायदेमंद है। हालांकि एयरटेल के दूसरे प्लान की बात करें तो यूजर्स को 129 रुपए वाले प्लान में 10 GB डाटा मिलता है, और अच्छी बात तो यह है कि इसकी वैलिडिटी आपका ओरिजिनल प्लान तक रहती है। यह प्लान उन यूजर्स के लिए खास तौर पर फायदेमंद है जिन्हें अचानक से हाई स्पीड डेटा की जरूरत होती है। इस प्लान को एक्टिवेट करना बहुत ही आसान है। आप इसे एयरटेल की वेबसाइट माई एयरटेल ऐप या किसी भी नजदीकी रिटेलर से रिचार्ज कर सकते हैं। एक बार रिचार्ज करने के बाद यह प्लान तुरंत एक्टिव हो जाएगा और आप 1 घंटे तक अनलिमिटेड डेटा का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि एयरटेल ने अभी कुछ ही पहले 395 वाला प्रीपेड प्लान में कुछ बदलाव किया था। गौरतलब है कि इस प्लान में पहले 56 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी, लेकिन अब इस प्लान में बदलाव करके इसे 70 दिन कर दिया है। बता दें कि एयरटेल के इस प्लान में 6 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 600 SMS की सुविधा दी जाती है।